आपके सामने एक नंबर क्वेश्चन है जिसमें कि टाइमिंग मौजूद है। कहता है कि जितने समय में यहाँ पर ट्रेवल करती है कुछ दूरी एक घंटे में, उसी को ट्रेवल करने में इसको 1.5 घंटा लगता है। जरा ये बताओ कि ये किस चीज का अनुपात है? समय का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं, समय का अनुपात। और इसको हम अगर कन्वर्ट करें चाल में तो ये हो सकता है, यहाँ पे रेशियो अगर देखा जाए तो कितने का रेशियो है, यहाँ पे 3:2 है इसका रेशियो, 1.5 और 1 का रेशियो अगर उठा के देखा जाए तो कितना है, 3:2। अब इस 3:2 को उल्टा करेंगे तो 2:3, इस हिसाब से ये डाटा आ जाएगा मेरा 2 और 3 तो 2.5, और इस हिसाब से ये डाटा आ जाएगा कितना तो 0.5। अब क्वेश्चन में मौजूद है कि यदि धारा का चाल 3 किलोमीटर पर आवर, धारा जो चल रही है तो धारा अपना तो आ गया 0.5, इसका मतलब 0.5 का वैल्यू जो है वो कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये सारा डाटा हमारा क्या है तो रेशियो के हिसाब से आया, इसका ओरिजिनल आ गया ये, तो सांजल में चाल क्या होगा, तो सांजल का मतलब 2.5 का वैल्यू पूछ रहा है, 3/0.5 × 2.5। आप इसको कट करोगे, इससे ये कट जाएगा 5 बार में और आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। वो नाव जो चल रही है उसकी वास्तविक स्पीड कितनी है तो 15 किलोमीटर पर आवर। हो गया जी फिनिश।